चाचा भतीजे में फिर आर पार। पशुपति पारस ने चिराग को दिया तगड़ा झटका। हाजीपुर लोकसभा सीट पर फिर ठोका दावा। चाचा जी आपके सब कुछ थे तो आपने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद से चाचा जी को क्यों हटाया? तभी भी कह रहा है कि हम 16 को सीट पर लड़ेंगे, हमको राज्यसभा चाहिए, हमको विधानसभा में 50 को सीट चाहिए। मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। मैं हाजीपुर का सांसद हूँ, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मेरा अधिकार है। ऐसा है भाई साहब, आपको भूख लगी हुई रहेगी, खिलाने वाला कुछ और होगा तो खिलाने वाला आपको खाना खिलाएगा तब तो खाइएगा, नहीं तो भूखे रह जाइएगा। तो वही बात वहां है। तो अभी भी कह रहा है कि हम 16 को सीट पर लड़ेंगे, हमको राज्यसभा चाहिए, हमको विधानसभा में 50 को सीट चाहिए। तो ये संभव है? नहीं संभव, वो संभव चीज है। हाजीपुर से चुनाव, मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। मैं हाजीपुर का सांसद हूं, मैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मेरा अधिकार है। मैं एनडीए का पुराना सहयोगी हूं और विश्वासी सहयोगी हूं, मैं लड़ूंगा हाजीपुर से। ये तो साधारण कटसी है, और खास करके बिहार, बिहार में भी जहां मेरा घर है, हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं। आप कहां के रहने वाले हैं मुझको पता नहीं है। मिथिलांचल का एक कल्चर है कि बड़े लोगों के कभी कोई रिश्ता में जो भतीजा हो बेटा हो वो यदि पड़ चुके प्रणाम करता है तो ये हम लोगों का परिवार का कल्चर है कि हम उसको आशीर्वाद देते हैं। उस दिन एनडीए की बैठक थी, प्रधानमंत्री जी भी थे, सभी लोग थे, सबके सामने में चिराग जी आए और मुझको पड़ चुके प्रणाम किए। मैंने उनको दिल से लगाया, आत्मा से लगाया, और मैंने उनको पीठ थपथपा कर आशीर्वाद भी दिया, और मैंने उनसे हालचाल भी पूछा कि कैसे हो, ठीक हो, नहीं हाँ चाचा ठीक। वो एक अलग इशू है, वो पारिवारिक इशू था, राजनीतिक इशू नहीं था। राजनीतिक मामला कुछ और है और पारिवारिक मामला और है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चिराग पासवान जी, जैसे कल उन्होंने बयान दिया है कि पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद चाचा को मैं पिता मानता था, चाचा हमारे सब कुछ थे। तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि चाचा यदि आपके सब कुछ थे तो आपने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद से चाचा जी को क्यों हटाया? मूल प्रश्न वहीं से शुरू हुआ है, आपने मुझको क्यों हटाया? हम चोर से नहीं थे, डकैत नहीं थे, बेईमान नहीं थे, लुटेरा नहीं थे, अपाहिज नहीं थे। आपको नजर आता कि हम कमजोर हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी से कमजोर हमने। फिर उन्होंने हमको अध्यक्ष पद से हटाया, फिर हमारे जितने भी आदमी था हमारा वर्कर्स पार्टी में सबको उन्होंने दरकिनार किया। फिर विधानसभा की चुनाव की बारी आई तो हम 6 सांसद में 5 सांसद, एक बात आप जान लीजिए, टेक्निकली आज भी चिराग पासवान मेरे दल का सांसद है। लोकसभा अध्यक्ष के जो आदेश निकला है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का नेता के सदन के नेता के रूप में मुझको मान्यता मिला है चिराग पासवान को हटाने के बाद, और उस 6 सांसद में चिराग पासवान हुए। ये आप जान लीजिए, ये कानूनी चीज है, कानूनी दाव पर, लेकिन मैंने कोई आज तक इसका उजागर नहीं किया। तो विधानसभा के चुनाव हम लोग कहते थे कि भाई एनडीए से तुम जीत के आए हो, हम लोग भी जीत के आए, एनडीए गठबंधन रहो, और पूरा देश गठबंधन के तरफ मुड़ रहा है। तो पता नहीं बेचारा कहीं सपना अपना देखा या कोई कह दिया कि अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। हमारे 5 सांसद और जितने भी पार्टी के लोग थे सबकी बात को अनसुनी करते हुए अकेले लड़ने का तो उन्होंने फैसला लिया, चूंकि उसमें मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे, संसदीय दल के नेता भी वही थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी वही थे, इसलिए उनको अधिकार था फैसला लेने का। फैसला लिए और अकेले चुनाव लड़े, उसका नतीजा आप देख लीजिए।